दिखाए अपना टैलेंट मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा कि एक तो रात भर हम लोग जगे थे, ऊपर से नहीं वो पानी पड़ा था और इतना मेहनत भरी रहे अरे बाप रे। बट सर बस दो दो स्टेप, नथिंग एल्स। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं हमारे छोटे भाई, प्यारे भाई, दुलारे भाई निशांत उज्जवल जी, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे बाबा। जहाँ भी जाते हैं एक आपका बहुत फेमस टैग लाइन, जाए तो कोनो बात रिपीट ना करी ला, लेकिन देख के टैग लाइन ऑस हंसी बने ना हमरा, हम केहू के इस टैग के बात सुने तो हमरा हंसी छूटे ना, क्या रिएक्शन था। भोजपुरी में वो बात कहला मैं बोल भी नहीं सकता, क्या रिएक्शन देना है। जाए रे भाई तोरे खुशी में सब खुशी पर खुश रहो, लेकिन हंसी इसलिए छूटता है आज फलानवा ने फलानवा को रेल दिया, अंधाल है रेल दिया। आप सामने तो नहीं बात हुई ना, ना मैं ये नहीं है कि मैं दूसरे भाव से बोल रहा हूं, लेकिन क्यों ऐसा नहीं बनाना यार। अच्छा बनाइए, अच्छाई की रोटी खाइए, मेहनत की रोटी खाइए, हम सब को मेहनत करना है। आज कितना अच्छा लागत था, कहां से कहां आ गया, क्या से क्या हो गया, हर चीज को साइड करवा दिया आप लोगों ने। वह गाना इन्होंने बा बोली हम की ध्वनि के सब पता हुआ, भाई ने क्या किया और मेरे भाई ने इतना कमेंट किया, गाने पे इतना लाइक ठोका कि हर चीज साइड हो गई। किसी चीज से किसी चीज को जाना जाता है, लेकिन इस चीज से उस चीज को जाना जा रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप सभी मेरे लिए भगवान हैं। हम खुल के ना बोली लड़े, हम माइक ना रहना तो बोली ठीक है। किसी को जब आप देखिए हेलो हम तो कोई ये अकेला नहीं कर सकता है, ये आप सब की शक्ति रहेगी तो ही हो पाएगा, तो ही पॉसिबल। हम सबको एक रहना है तो हम लोग हर जगह झंडा अपना गाड़े रहेंगे कि हाँ आई लव माई भोजपुरी। क्या बात है, मैं चाहूंगी पलक नाम से भी कि जैसा कि सबसे पहले कि जब यहाँ मैं आई तो सब लोग मुझसे ये पूछ रहा है कि आपको काम करके कैसा लगा, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, तो ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। और मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ सर की बदौलत, और मैं सर को भगवान मानती हूँ, और सारे टीम मेंबर जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, और मैं आप सभी से यही कामना करती हूँ कि आप सब इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, आप बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच ईशा जी, थैंक यू सो मच मैम। और इस गाने में इसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ का जाता है, क्योंकि आपकी माँ, मैं चाहूंगा प्रिया जी आप आइए मंच पे। अरे बाप रे बाप, पहले से मैं इनको जानता हूं, ये भी मुझे जानती हैं और फिल्मों में काम की हैं। मैं इनके काम का बहुत तारीफ करता हूं, बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं ये, इनको काबिन हमने किया भोजपुरी में कहा ला, कौनो कैरेक्टर देता ननद के माई के बहुत अच्छे से प्ले करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। गॉड ब्लेस यू, आप बहुत आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। इन्होंने हमसे एक बार बोला था कि सर मेरी बेटी भी, याद आया यार एक बार हमसे मनोज बाबा बोले कि भैया
मैंने बोला रुको रुको रुको, एक बार हम दिए हैं चांस, आप लोग ही जीवन भर देंगे, तो ये लड़की को मैं बुलाया, इन्होंने भेजा और हम लोग काम किए, ठीक है, थोड़ी परेशानियां हुई बट रिजल्ट अच्छा है। बस आप सबका आशीर्वाद, जिंदाबाद, इस बच्ची को आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ये खूब आगे बढ़ेगा। जय सर। क्या बात है, मैं चाहूंगी पलक मैम प्लीज आप भी ज्वाइन करिए। परिवार को, अपने समाज को, अपने भोजपुरिया जहान को देख लेता हूं, वहां मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं कुछ ना कुछ बोल ही देता हूं क्योंकि इनकी ताकत जो है पौनवा के सर पे। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। अब मैं चाहूंगी कि और मैं चाहूंगी हमारे नेक्स्ट कंटेंट क्रिएटर से कि वो प्लीज रेडी रहे, मनीषा शर्मा। हाउ आई बी एक इनार है, जब जैसे होंगे देखे ले तो पकड़ के लागी रोग। आई बिया कहाँ बड़े हैं ना, हैं ना, हैं ना, हैं ना, हम आप थोड़ा सा एक लाइन कहें क्या बात। रुक 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 हो जा, रुक हो जा, रुक रुक, थोड़ा से को बात पूछे क्या बात। चाहूंगी ऑफिशियल पल्लवी एंड सिमरन यादव, रघुवंशी एंड मुस्कान, आप लोग प्लीज रेडी रहिएगा। थैंक यू बेटा, है ना, आप बड़े दोस्त बहुत यार जी। ऑफिशियल पल्लवी आप कहाँ पे हैं? लेकिन शुरुआत है आज रोलू तो ठीक ना हुई, पक्का नो। मैं चाहूंगी कि एक सेकंड बेटा, चाहिए ना, हंसो, खुश हो, ये रोत या अब वही पकता रील बन गई, कतना लोग के कागज
फैसल बाबा, अमित जी, आप बहनी का नंबर ले लिया और मैं भी आपको मेरे तरफ से जो होगा भाव वो मैं आपको गिफ्ट जरूर भेजूंगा। अरे नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है तो देख, मैं सबके सामने बोल रहा हूं कि तुम मुझे आज के बाद भैया ही बोलना और एक भाई की जहां भी जरूरत लगे याद करना, भाई के रूप में खड़ा मिलूंगा। मैं चाहूँगी